कुल्फी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 दशहरी आम लिए हैं। जब भी आप बनाइएगा तो इसी तरह के आम का यूज़ करिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर क्लोथ से पोंछ लिया है और देखिए टॉप को इस तरह से कट कर लिया है। और अब क्या करेंगे, इसके हम पल्प को इस तरह से निकाल लेंगे। सेम यही चीज़ हमें बीच में इस तरह से नाइफ लगा साइड से गुठलियों के इस तरह से हम इसे लूज करेंगे और इसे हम अच्छे से इस तरह से गुठलियों को निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से जो भी इसमें पल्प है इस पल्प को रहने देंगे। इसी तरह से सेकंड मैंगो को भी हम अच्छे से कट कर लेंगे टॉप को इस तरह से, और इसके भी हम गुठली को निकाल लेंगे। जैसे हमने बीच में नाइफ दिखाया है ना, बस इसी तरह से करिएगा, बहुत ही ईजिली ये रिमूव हो जाता है। तो देखिए ये सेकंड भी निकल गया है, तो इसे भी हम कप में रख लेते हैं। और अब हम ये जो गुठलियों में पल्प है इसे अच्छे से निकाल लेंगे, क्योंकि मैंगो कुल्फी या आइसक्रीम बनाने के लिए मैंगो पल्प की तो ज़रूरत होगी ही, तो इसे हम काफ़ी अच्छे से इस तरह से रिमूव कर लेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट जस्ट डबल हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है ड्राई वाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ली है। अच्छे से इसे ग्राइंड कर एक पेस्ट बना लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। 1/2 कप मैंने मिल्क की मलाई ली हुई है, तो यहाँ पर मैंने मिल्क की मलाई ली है, तो इसे मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए मेल्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं तो मलाई मेल्ट होकर दूध में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमने मैंगो प्यूरी ली थी ना बनाकर, उसे हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पर आप चाहे तो मिल्क की मात्रा ज़्यादा लेकर मिल्क को अच्छे से थिक कर मिल्क पाउडर स्किप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से ये बन जाए इसलिए मिल्क पाउडर का यूज़ की हूँ। और हाँ, रिकॉर्डिंग में मैं आपको दिखाना भूल गई, मैंने यहाँ पर जेल बेस्ड येलो फूड कलर यूज़ किए हूँ, जिससे कि आइसक्रीम का कलर बहुत ही माइंड ब्लोइंग आए और देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है ना वो खाने में भी अच्छी लगती है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये थिक होने लगी है, बबल्स आने लगे हैं। तो बस इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर हमें बंद कर देना है गैस का फ्लेम और इसे ठंडा करके हमें भरना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ना और भी थिक हो जाएगा। लेकिन मेरे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम थी तो मैंने इसे फटाफट गर्मा गर्म ही फिल कर दिया है, जिससे कि ये मेरी आइसक्रीम जल्दी से बनकर तैयार हो जाए, मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे फिल कर दिया, एक कैप लगा दी और इसे कप में रख दिया, और सेकेंड भी इसी तरह से फिल कर लेते हैं। तो दोनों को देखिए मैंने इसी तरह से सेम प्रोसीजर से फिल कर लिया है, और यकीन मानिए ये कुल्फी बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए इसे ओवरनाइट हम रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में अच्छे से जमने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ओवरनाइट के बाद मैंने इसे निकाल लिया है, बीच में लाइट चली गई थी तो मैं इसे फॉइल पेपर में इस तरह से लपेट कर रख दी थी, जिससे कि ये ज़्यादा चिल्ड बना रहे। फटाफट से पीलर के थ्रू अच्छे से पील कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये पील हो जा रही है, इट मीन्स ये बहुत अच्छे से जमी है। लेकिन यकीन मानिए ये इतनी ठंडी है ना, कट करने में हाथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और ये देखिए इसकी मैंने नाइफ से इस तरह से स्लाइस कट की है, तो कितनी देखने में डिलीशियस लग रही है ना, जो बीच की फीलिंग है इसका टेक्सचर ना इतना माइंड ब्लोइंग था। यकीन मानिए जब आप बनाएंगे ना तो आप मैंगो खाना भूल जाएंगे, मैंगो आइसक्रीम इस तरह की बनाकर खाना जरूर पसंद करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो और वीडियो पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में बेल का ऑप्शन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर सेलेक्ट करें, जिससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।